बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ज़िक्र चल रहा था सूरतुल अंबिया में, सूरतुल अंबिया के कुछ बातें बाकी थी वो मैं ज़िक्र कर दूं तो इंशाअल्लाह आपके सामने सूरतुल मुमिनून जो मैंने तिलावत की है, फिर इसके जो अहम मजामीन हैं इंशाअल्लाह हम उन्हें ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरतुल अंबिया में, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ। अल्लाह ताला यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ हुआ था वो अल्लाह ताला यहाँ पे ज़िक्र फरमाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और बड़े ग़रीब परवर मेहमान नवाज थे। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने दादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विरासत में से ग़रीब परवरी मेहमान नवाजी अता की थी। कुरान करीम का तकरीबन चार सूरतों में अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने बीमारी के ज़माने में इनकी जो बीवी थी बीबी रहमत, तो इन्होंने इनका साथ दिया। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई, बीमारी आई, हर किसी ने साथ छोड़ दिया। आपकी बीवी बीबी रहमत जो हैं ये आपके साथ रही हैं। और हुआ वाक़या ये था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी बीबी रहमत, बड़ी नेक खातून, बड़ी बुरे वक़्त में साथ रहने वाली, अच्छे वक़्त में तो साथ सब देते हैं, ये वो खातून थी जिन्होंने अपने खामन का बुरे वक़्त में साथ दिया। तो अहादीस मुबारक की रोशनी में जो पता चलता है कि हज़रत अय्यूब की जो बीवी थी ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी और रहमत इनका नाम था, रहमत इनका नाम था, बीबी रहमत इनको कहा करते थे। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात हैं कैसे से वो मैं आपको कुछ ज़िक्र कर देता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सात बेटे और सात बेटियाँ थीं। अल्लाह ने बहुत औलाद दी, बेटे भी दिए बेटियाँ भी दी। 1000 ऊँट थे, 1000 बकरियाँ, 500 ग़ुलाम और 500 ख़ानदान के लोग थे। अहलो आयाल भी 500 की तादाद में थे, बहुत बड़ा ख़ानदान था। आप अलैहिस्सलाम उस वक़्त के मालदारों में शुमार होते थे और हर वक़्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते, शुक्रगुजारी करते थे। शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस इबादत गुजारी और शुक्रगुजारी को देखकर हसद करता था और जलता रहता और हज़रत अय्यूब को अपने फंदे में फांसने की कोशिश करता रहता। और गैब से आवाज़ आई कि ए लईन, अय्यूब मेरा नेक बंदा है और मेरा शुक्रगुजार है, तेरे वारिस पर कुछ असर नहीं कर सकेंगे। शैतान कहने लगा ए खुदाया, तूने इनको दौलत और फुर्सत और कुदरत और ताकत इतनी की है कि इनकी आंखें औलाद के दीदार से रोशन हैं, फिर ये तेरा शुक्र क्यों ना बजा लाए। अगर तू उनसे ये नेमत ले ले तो ये हरगिज़ भी तुझे याद नहीं करेगा और तेरी बंदगी से बेजार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इबलीस, तेरा ये गुमान मेरे बंदे के बारे में गलत है कि तू ये समझ रहा है कि उसके पास नेमतें हैं इस वजह से शुक्रगुजारी करता है। अगर मैं ये नेमतें ले लूँ तो शुक्रगुजारी छोड़ देगा, तो तुम्हारा ये ख्याल मेरे बंदे के बारे में बिल्कुल गलत है। शैतान कहने लगा ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे उसकी औलाद और मार पर तसल्लुत दे दे तो तुझे पता चलेगा किस तरह तेरी बंदगी करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया चल, मैंने तुझे उसकी औलाद और माल पर तसल्लुत दे दिया, यानी तू उसकी औलाद और माल के साथ जो चाहे मर्जी कर, मैंने तुझे इख्तियार दे दिया। इबलीस ये लईन मरदूद बड़ा खुश हुआ और अपनी सारी नस्ल को, अपनी ज़ुर्रियत को, अपने शागिर्दों को जमा करके
उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल मवेशी दरिया में गर्क करा दिए और शैतान ख़ुद गवाले की शक्ल में हज़रत अय्यूब की खिदमत में हाजिर हुआ और ख़बर दी कि आपके तो सारे माल मवेशी डूब गए। हज़रत अय्यूब को परेशान करने के लिए डबोने वाला भी ख़ुद है, अपनी ज़ुर्रियत के साथ शागिर्दों के साथ मिलके इसने हज़रत अय्यूब के सारे माल मवेशी 1000 बकरियाँ 1000 ऊँट ये सब कुछ दरिया के अंदर डुबवा दिया। तो आके ख़बर भी दे रहा है कि आपका नुकसान हो गया ताकि आपकी इबादत से हटाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने फ़जल से दिया था और अपने अदल से ले लिया। दिया भी तो अल्लाह ने है, अगर लिया है तो अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह खूब जानते होंगे क्यों लिया है। तो फ़जल से दिया था, अपने अदल और इंसाफ से ले लिया। तो शैतान मायूस होकर अपनी ज़ुर्रियत औलाद के पास आया और कहने लगा कि अब चलकर हज़रत अय्यूब की खेती को आग लगाते हैं। तो गए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खेत खलियान को आग लगा दी। जब वो सब जल के राख हो गया तो शैतान ने आके फिर कहा कि आपकी तो खेती को आग लग गई और आप नमाज़ों में लगे हुए हैं। तो हज़रत अय्यूब कहने लगे कि अब तो और ज़्यादा नमाज़ों के अल्लाह ताला ने वक्त अता कर दिया, अब खेत खलियान न रहे तो दुनिया से जान छूट गई, अब तो मैं और ज़्यादा दिलजमी के साथ फारिग होकर नमाज़ पढ़ूँगा। तो शैतान और ज़्यादा गमगीन और परेशान हुआ। इसी तरह उसने सब घर बार का सामान तबाह कर दिया और हर तबाही की खबर ला के वह अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताता था। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर दफ़ा ये कहते कि अब अल्लाह ताला ने अपने फ़जल से दिया था, अपने अदल से ले लिया और अब तो इबादत में ज़्यादा दिलजमी का सामान पैदा कर दिया, दुनिया पर मेहनत करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अब तो सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारूँगा। तो ये कहते इस तरह जो है हज़रत अय्यूब का माल मवेशी साजो सामान सब तबाह करवा दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी के सारी औलाद, इनके अहले खाना के 500 लोग, 5 बेटे और बेटियां, ये एक बड़े सारे हाल में तालीम और ताल्लुम के अंदर मशगूल थे। तो शैतान आया अपनी सारी औलाद के साथ और ये सारा मकान उन पर गिरा दिया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां और इनके सारे ख़ानदान के लोग इस मकान के नीचे गिर के वो फोत हो गए। तो शैतान ये ख़बर भी हज़रत अय्यूब के पास लेकर आया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र शुक्र के साथ इबादत में लगे रहे और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने दिए थे, अल्लाह ताला ने ले ली, अल्लाह ही की तरफ से है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हमने भी अल्लाह के पास लौट के जाना है। तो शैतान का एक तरीक़े के साथ, पहले हज़रत अय्यूब का माल मवेशी लिया, खेत खलियान तबाह व बर्बाद कर दिए, फिर औलाद को जो है वो अल्लाह के पास पहुंचा दिया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। तो जब शैतान ने देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो अपनी इबादत में और ज़्यादा मसरूफ़ हो गए और हमारी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है, तो शैतान ने कहा ए रब, अब आप मुझे अय्यूब के बदन पर इख्तियार दे दें, आपने मुझे उसकी जायदाद पर, उसकी औलाद पर, उसके माल मवेशी पे तो इख्तियार दिया था, अब आप मुझे अय्यूब के बदन पर भी इख्तियार दे दें कि मैं जो चाहे मर्ज़ी इसके साथ करता फिरूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा और कहने लगा फिर आपको पता चलेगा, मैं देखता हूँ कि फिर कैसे आपकी इबादत करता है, जब मैं अय्यूब को बीमार कर दूँगा फिर मैं देखता हूँ कि कैसे आपको सजदा करता है, कैसे आपका शुक्रगुजारी अदा करता है, मैं फिर देखता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे उसके बदन पर इख्तियार है सिवाय अय्यूब की ज़ुबान, दिल और कानों के, उसकी ज़ुबान पर तुझे कोई इख्तियार नहीं, उसके दिल पर तुझे कोई इख्तियार नहीं, उसके कानों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं है, उसके अलावा जो चाहे तू मर्ज़ी कर ले। शैतान एक जादूगर मर्द की शक्ल में आया और हज़रत अय्यूब की नाक में फूंक मार दी। हज़रत अय्यूब की नाक में जो फूंक का मारना था तो उसकी हरारत से पूरे बदन में ख़ारिश शुरू हो गई, जिससे जिस्म का गोश्त पोश फटने लगा और तमाम बदन बीमार हो गया। और लोगों ने यह किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक झोंपड़ी में डाल दिया,
हर कोई आपसे बेजार हो गया, हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया सिवाय आपकी बीवी बीबी रहमत के, उन्होंने कमर बस्ता हो के आपकी खिदमत की। जब सब मालो दौलत ख़त्म हो गया तो बीबी रहमत ये दिन भर मजदूरी करती, अल्लाह के नाम पर अल्लाह का नाम लेके मजदूरी करती, और निसफ मजदूरी जो मिलती थी अल्लाह के नाम पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए सदका कर देती थी, और जो आधी मजदूरी थी उस पर अपना गुजारा गुजर बसर किया करती थी। आधी मजदूरी हज़रत अय्यूब की तंदुरुस्ती के लिए अल्लाह को सदका कर रही हैं, और आधी मजदूरी वो उससे अपना और हज़रत अय्यूब का पेट पालती थी, हज़रत अय्यूब को खिलाती पिलाती। जब भी मजदूरी के वास्ते जाया करती थी तो रास्ते में शैतान खड़ा रहता और कहा करता था कि अय्यूब तो बीमार हो चुके हैं, मैं तुम्हारा निकाह इस इलाके मिस्र के किसी बहुत बड़े दौलतमंद सरदार से करवा देता हूँ, अय्यूब को छोड़ दो और किसी और के निकाह में चली जाओ, और अय्यूब तो कुछ भी नहीं रखा है, यह तो बीमार है, तुम्हारी सारी औलाद मर चुकी है, खेत खलियानों को आग लग चुकी हैं। तो ये बीबी रहमत जो हैं रोज़ाना आकर हज़रत अय्यूब से ये वाक़या सुनाया करती थी कि जब मैं मजदूरी के लिए जाती हूँ तो रास्ते के अंदर एक शख्स खड़ा होकर मुझे ऐसे ऐसे कहता है, तो हज़रत अय्यूब फरमाते हैं ये इबलीस लईन है, इसकी बातों में ना आना, ये इबलीस मरदूद है, इसकी बातों में ना आना। तो बहरहाल ये बीबी रहमत ने बड़ा साथ दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, बल्कि एक दिन इबलीस जो है ये डॉक्टर तबीब की शक्ल में हज़रत बीबी रहमत के सामने आया और कहने लगा कि मेरे पास अय्यूब की बीमारी का इलाज है, तरीका ये है कि अय्यूब को शराब पीनी पड़ेगी, खिंजीर का गोश्त खाना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा कि शिफा मैंने दी है, कहना ये पड़ेगा कि शिफा मैंने दी है, शिफा मैंने दी है। जब हज़रत अय्यूब को आकर उनकी बीवी ने यह बताया कि एक तबीब मुझे डॉक्टर रास्ते में मिला है, बीवी को तो नहीं पता कि वो डॉक्टर और तबीब कौन है, वो कहने लगी हज़रत अय्यूब से, वो डॉक्टर मुझे कहने लगा कि शर्त या शिफा मैं देने वाला हूँ, शराब पीनी पड़ेगी, खिंजीर खाना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि शिफा उस डॉक्टर ने दी है, अल्लाह को बीच में नहीं लेके आना, अल्लाह को बीच से निकालना पड़ेगा। उस वक़्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर रोना धोना शुरू किया कि अब शैतान भी इतने वार करने लगा है कि मेरी बीवी तक का यकीन ख़राब करने लगा है, और कहने लगा है कि अल्लाह कुछ नहीं करते, अल्लाह के अलावा ये डॉक्टर और लोग कुछ करने लगे हैं, ये मेरी बीवी का यकीन बिगाड़ने लगा है। उस वक़्त हज़रत अय्यूब ने कहा वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन वअज़ाब। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब शैतान की तरफ से ख़बरें पहुंचने लगीं तो हज़रत अय्यूब ने अल्लाह के यहाँ फरियाद की, और उस वक़्त बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि माल भी बर्बाद हो गया, औलादें भी मर गईं, जिस्म भी मरीज़ है, यहाँ तक कि सुई के नाके के बराबर पूरे जिस्म पर कोई जगह नहीं थी जो ठीक और सेहतमंद हो, सिर्फ़ ज़ुबान दिल सलामत था, और फ़कीरी और मुफलसी का ये हाल और आलम था कि एक वक़्त का खाना पास होता था तो दूसरे वक़्त का खाना कोई नहीं होता था, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं था, ख़ानदान के लोग वही जो पहले इनके पास आके लेके जाया करते थे वो सारे पराए हो गए, कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ सिवाय इनकी बीवी नेक वक्त बीबी रहमत के, जिनके दिल में खौफ खुदा का और शोर की मोहब्बत थी। यहाँ से बल्कि मुझे याद आया, आपको पता होगा जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्स थे, वो शहज़ादे थे जो 50-50 ऊँटों पर अपना सामान लेके जाया करते, सफ़र पे जाते ना पिकनिक के लिए, सफ़र के लिए, तो इनका जो सामान होता था, कपड़े होते थे, वो 50-50 ऊँट पे लाद के लेके जाते थे, और यही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ चूँकि हज़रत उमर की औलाद में से थे ना, अल्लाह ताला नेकों की औलाद को ज़रूर तौबा की तौफीक अता फरमा देता है, इन्होंने सच्ची पक्की तौबा की और सारा साजो सामान राह खुदा में सदका कर दिया, टाट के लिबास में आ गए। इनकी जो बीवी फ़ातिमा थी ये रुए ज़मीन की सबसे ज़्यादा बाहैसियत खातून थी, इसके चार भाई बादशाह,
इसका बाप बादशाह, दादा बादशाह, खामन बादशाह, चार भाई सुलेमान, वलीद और हिशाम, ये भाई बादशाह, अब्दुल मलिक बिन मरवान, इनके वालिद बादशाह, मरवान बिन हकम दादा बादशाह, और खामन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये तीन बड़े आज़मों के बादशाह। ये ऐसी खातून थी कि इतनी बाहैसियत खातून तारीख़ इंसानी में नहीं गुजरी। तो हज़रत उमर अपनी बीवी से कहने लगे, ज़ाहिर है फ़ातिमा तो बड़े नाज़ो नखरों में पलने वाली थी, जब सब कुछ सदका खैरात कर दिया कि लोगों का लूट खसूट का माल था और माल मशकूक था और मशकूक माल को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, बीवी से कहने लगे, जा तू चली जा, अगर तू आज़ाद होना चाहती है तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, कि अब मेरे पास तुझे खिलाने पिलाने के लिए वो आयाशी का सामान नहीं है। तो फ़ातिमा भी अजीब खातून थी, कहने लगी कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, सुख का वक़्त तुम्हारे साथ गुजारा है, दुख का वक़्त भी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, सुख का सारा वक़्त तुम्हारे साथ गुजार दिया, अल्लाह ने औलाद दे दी, दुख का वक़्त भी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, दुख के वक़्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, दुख के वक़्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। तो ये होती हैं वो नेक औरतें और सआदतमंद खातून, के अल्लाह ताला जब सुख का वक़्त पहुंचाता है अपने घर वालों के साथ होती हैं तो दुख के वक़्त में भी उनको नहीं छोड़ती हैं। यही बीबी रहमत कह रही हैं हज़रत अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम से, कि सुख का वक़्त आपके साथ गुजारा है, दुख के वक़्त में जब सब आपका साथ छोड़ चुके हैं तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ती। यही सुन्नत फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी फ़ातिमा ने पूरी की, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से जब घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, ईद के मौके पे पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे, सारी दुनिया का यह हाल और आलम था, तीन बर्रे आज़मों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, इतना तारीख़ इंसानी का अमन का दौर शायद पहले कभी आया हो। भेड़ और भेड़िया एक घाट पे पानी पिया करते थे, शेर और बकरी एक ही जगह खड़े होकर पानी पी लिया करते थे, एक मुसलमान भी तीन बर्रे आज़मों में ज़कात लेने वाला नहीं था, लेकिन खुद के घर का ये हाल और आलम था कि अपनी बच्ची को घर में बच्चों को ईद पे पहनाने के लिए कपड़े कोई नहीं थे, और कच्चे प्याज से उनको खाना खिला रही हैं, और हारून जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कह रहे हैं कि फातिमा अगर चाहो तो अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ, तो फ़ातिमा कहने लगी कि सुख का वक़्त आपके साथ गुजारा है, दुख का वक़्त भी आपके साथ ही गुजारूंगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इस माशरे के अंदर ऐसी ऐसी औरतें भी, खातून भी पैदा की हैं जिनको अल्लाह ताला ने क़यामत तक की औरतों के लिए मिसाल बनाया है। तो बहरहाल ये हज़रत अय्यूब की जो बीवी थी नेकबख्त, इनके दिल में अल्लाह का खौफ भी था, शोहर की मोहब्बत भी थी, लोगों का काम काज करके अपना और शोहर का पेट पालती थी, सदका भी देती रहती थी, हालांकि इनसे ज़्यादा पहले मालदार कोई नहीं था, औलाद भी ताबेदार थी, दुनिया की हर राहत मौजूद थी, अब अल्लाह ने हर चीज़ छीन ली, शहर से बाहर एक झोंपड़ी में ला के अल्लाह ने बिठा दिया। कई साल गुजर गए, अपनों ने भी मुंह फेर लिया, गैरों ने भी मुंह फेर लिया, कोई खैर व आफियत पूछने वाला नहीं था सिवाय इनकी बीवी के, और जो हज़रत अय्यूब हर वक़्त इबादत में लगे रहते और बीवी हर वक़्त खिदमत में लगी रहती थी। तो इन हालात के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुख भरी फरियाद की। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि 18 साल तक अल्लाह के पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम दुख और दर्द में मुब्तला रहे, अपनों और गैरों ने साथ छोड़ दिया, हाँ आप अलैहिस्सलाम के दो मुखलिस दोस्त सुबह और शाम खैर व आफियत और मिजाज पुरसी के लिए आया करते थे, दो मुखलिस दोस्त थे जो आया करते थे, ये आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो सब ने साथ छोड़ा, बीवी और दो मुखलिस दोस्तों के। तो एक दफ़ा एक ने दूसरे से कहा, मेरा ख्याल है अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा की कोई बहुत बड़ी नाफरमानी की है कि 18 साल से इस मुसीबत में मुब्तला हैं और अल्लाह उन पर रहम नहीं करता। फिर उस दूसरे ने शाम को हज़रत अय्यूब से वह बात कह दी कि हमारा ख्याल है कि आपने अल्लाह की कोई बहुत बड़ी नाफरमानी की है कि अल्लाह आप पर रहम नहीं कर रहा।
आप अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो बड़े रंजीदा हुए और कहने लगे कि मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, हालांकि अल्लाह खूब जानता है। मेरी तो ये हालत थी जब दो आदमी आपस में झगड़ते, मैं देखता कि दोनों खुदा को दरमियान में लाते हैं और अल्लाह के नाम की कस्में खाते हैं, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि अल्लाह ताला का बाबरकत नाम यहाँ पर लिया जाए, अल्लाह का बाइज्जत नाम ये लें, हालांकि मुझे पता था कि इनमें एक झूठा ज़रूर है। तो मैं अपनी तरफ से माल दे दिला के दोनों की सुलह करवा दिया करता था कि खुदा के नाम की बेअदबी ना हो, खुदा के नाम की बेअदबी ना हो। तो उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की ये हालत थी कि चल फिर भी ना सकते थे और पेशाब पखाने से भी माजूर थे, इनकी बीवी इनके उठा के कज़ाए हाजत के ले ले जाती। उस वक़्त फिर इन्होंने आके अल्लाह ताला से ये दुआ की। दो रिवायतें आती हैं, एक तो जब दोस्तों ने ताना दिया, देखिए पराए ताना देना, पराए ताना दें तो इंसान बर्दाश्त करता रहता है, अपने ताना दें तो ये फिर बात बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नहीं आई, लंबा अरसा गुजर गया वही नहीं आई और हज़रत जिब्रील नहीं आ रही, वही भी नहीं आ रही, तो हज़रत खतीजा भी क्या उठी, अवद्दा का रब्बू का, कहीं अल्लाह ताला ने आपको छोड़ तो नहीं दिया, अल्लाह ताला ने छोड़ तो नहीं दिया, कहीं अल्लाह आपसे नाराज़ तो नहीं हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की बात ने इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना जब हज़रत खतीजा की ज़ुबान से ये निकल आया कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज़ तो नहीं हो गए, अल्लाह ने छोड़ तो नहीं दिया, कि अपनों की बातें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो फौरन आप अलैहिस्सलाम की जब दिल की एक कैफियत अल्लाह ने देखी तो फौरन हज़रत जिब्रील को दौड़ाया और फौरन भागे भागे, रिवायात में आता है हज़रत जिब्रील जब आया करते थे तो नॉर्मल हालत होती, जब ये वही लेकर आए हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देना मकसूद थी तो दौड़े दौड़े आए हैं, ऐसे आए हैं जैसे इंसान भाग कर आता है और हाँप और कांप रहा होता है। हज़रत जिब्रील आए और कहने लगे वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे काले जुल्फ़ों वाले नौरानी मुखड़े वाले नबी, आपका रब आपको कैसे छोड़ सकता है, आपका रब आपको भूला नहीं है, ना आपको छोड़ा ना आपको भूला है, आपका रब तो आपको इतना देगा कि आपको राज़ी करके छोड़ेगा, जितने पे आप राज़ी होंगे आपको राज़ी करके छोड़ेगा। तो बहरहाल ये दो रिवायतें मिलती हैं कि दो वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ की। 18 साल बीमार रहे, मर्ज़ की हालत में रहे और कीड़े आपका जिस्म खाते रहे, बीमारी आपके जिस्म पर ने डेरे डाल के रखे हैं, अपने पराए सब बेगाने हो गए, कभी अल्लाह से आहोजारी नहीं की, सब्र शुक्र के साथ इबादत में लगे रहे। एक जब बीवी को शैतान ने वरगला के ये कहा कि मैं तुम्हारे खावंद को शिफा देता हूँ लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा कि शिफा मेरे हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है, और दूसरा जब दोस्तों ने ताना दिया, दोस्तों ने ये बात की कि अल्लाह आपसे नाराज़ क्यों हैं, क्यों आपकी बीमारी और तकलीफ़ को दूर नहीं कर रहे, तो इस वक्त हज़रत अय्यूब ने फिर दुआ की। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए क्या कहा, और कुछ भी रिजलिक हादा मुग्तसल बारिद व शराब, अपना पांव ज़मीन पर मारें, चश्मा फूटेगा इससे नहाएं भी पानी भी पिएं। तो हज़रत अय्यूब ने पांव ज़मीन पर मारा, चश्मा फूटा, उससे नहाए धोए पानी पिया। इधर बीवी जो हैं ये गई हुई थी मजदूरी के लिए कमाने के लिए, इधर जब वापस आई हैं तो हज़रत अय्यूब बड़ा उम्दा किस्म का लिबास पहन के बैठे हुए थे। अब जब बीवी आई हैं तो खेमे में क्या देखती हैं कि मेरा खावंद नहीं है, कोई आदमी बड़ा हसीनो जमील किस्म का और बड़ा अच्छा लिबास पहन के बैठा हुआ है। तो कहने लगी कि यहाँ पर तो एक मरीज़ था, अय्यूब नामी मरीज़ था, वो कहाँ गया, अल्लाह के नबी थे जो दुख दर्द के अंदर मुब्तला थे, सब्र किए बैठे हुए थे, वो कहाँ गए। तो हज़रत अय्यूब कहने लगे अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से मुझे सेहत अता कर दी, मैं ही अय्यूब हूँ, मैं ही अय्यूब हूँ। तो इनकी बीवी पहचानने से इनकार करती रही कि नहीं वो तो बीमार था,
वो तो ऐसा था, आप अय्यूब कैसे हो सकते हैं। तो फिर इन्होंने सारी चीज़ें अपनी बीवी को बताई कि ऐसे ऐसे ये अलामतें थी और मैं ही अय्यूब हूँ। तो फिर जो है वो बीवी भी पहचान गई। और फिर अल्लाह ताला ने उस वक़्त ये जब नहा रहे थे ना, तो आसमान से सोने की टिड़ियाँ बरसी, सोने की टिड़ियाँ बरसने लगी। आप अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी उनको उठाकर समेटने लगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि अय्यूब, कि आपको हमने गनी नहीं कर दिया, बेपरवाह नहीं कर दिया, आप भी ये टिड़ियाँ समेटने में लग गए। तो हज़रत अय्यूब ने क्या जवाब दिया, ये जवाब होता है बड़ों का, बड़ों की बड़ी बातें फरमाने लगे, ए अल्लाह बेशक तूने बहुत कुछ दे रखा है और मैं लोगों से गनी हूँ, बेनियाज हूँ, लेकिन तेरी रहमत से तो बेनियाज नहीं हूँ ना, तेरी रहमत से तो मुस्तगनी नहीं हो सकता ना, मैं तेरी रहमत का पूरा पूरा मोहताज हूँ। तो ये टिड़ियाँ जब आप बरसा रहे हैं, ये आपकी तरफ से रहमत है, तो मैं आपकी तरफ से आई रहमत को क्यों ठुकराऊँ, क्यों ठुकराऊँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ों की बड़ी बातें होती हैं कि इन चीज़ों को अल्लाह की नेमत और रहमत समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये अता किया, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम से जो कुछ लिया था सब अल्लाह ने वापस कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी मरी हुई औलाद को ज़िंदा कर दिया। फिर अब अल्लाह के इनामात भी शुरू हो गई, 18 साल। इसी वजह से सब्र अय्यूब मशहूर है ना, और अल्लाह ताला जन्नत में जन्नत वालों को ये सिफात अता फरमाएंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम की खूबियाँ देंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम का लबो लहजा दिया जाएगा, हर जन्नती को अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम वाली सुरीली ज़ुबान अता करवाएंगे, हर जन्नती को अल्लाह ताला हुस्न यूसुफ़ में से हिस्सा अता कराएंगे, हर जन्नती को अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान जैसी बादशाह सल्तनत अता करेगा, हर जन्नती को अल्लाह ताला वो अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला सब्र अता करेगा, और हर जन्नती को अल्लाह ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक अता करेंगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला अंबिया की जो खूबियाँ उनको दुनिया में अता की थी, ये खूबियाँ अल्लाह ताला जन्नत वालों को जन्नत में अता कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने 18 साल की तकलीफ़ दूर करने के बाद उनकी मरी हुई औलाद को ज़िंदा कर दिया, और मज़ीद 7 बेटे और 7 बेटियाँ दी। अल्लाह ताला कुरान करीम में ख़ुद फरमा रहे, वहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्र उलिल अलबाब। हमने जो कुछ लिया था वो वापस दे दिया, सारी औलाद को जिंदा कर दिया, मजीद औलाद दी। और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहे, अपनी 4 पुश्तों को मजीद देखा, 4 पुश्तों को मजीद देखा, खेत खलियान भी अल्लाह ने वापस कर दिए, मालो दौलत की फरावानी कर दी, हर चीज़ के अल्लाह ने बहतात कर दी। यूँ अय्यूब अलैहिस्सलाम एक लंबी आजमाइश से गुजरे हैं, और शैतान को नामुराद किया है, शैतान को इन हालात में भी शिकस्त दी है, हराया है, और अल्लाह ताला के इन हालात में और ज़्यादा कुर्ब हासिल कर लिया। अच्छा, इस दौरान हज़रत अय्यूब ने कसम खाई थी, जब उनकी बीवी जो है ना वो शैतान के बरगलामे में थोड़ी बहुत आई हैं, तो कसम खाई थी कि जब मैं ठीक होऊंगा तो तुझे 100 लाठियाँ मारूंगा, 100 कमचियाँ मारूंगा। अब जाहिर है कि इनकी बीवी नेक थी, उनको तो 100 लाठियाँ या छड़ियाँ मारना नहीं बनता था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हिला सिखाया, एक तदबीर सिखाई, एक बहाना सिखाया। अल्लाह ने क्या कहा, वखुज़ बियदिका ज़िग़सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस, कि आप 100 तिनके ले लें और 100 तिनकों की एक गठड़ी बना लें, और वो गठड़ी एक ही दफ़ा में अपनी बीवी को मारें, जिससे आपकी वो कसम जो 110 कुमचियाँ मारने की थी वो एक ही दफ़ा मार के कसम भी पूरी हो जाएगी, और आपकी बीवी को तकलीफ़ भी नहीं होगी। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और अपनी कसम भी पूरी कर दी, और बीवी को भी तकलीफ़ से बचा लिया, हल्के से मारा, बीवी भी तकलीफ़ से बच गई। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चला, जो शायद मैंने पहले भी बात की थी, कि जायज़ हीले करना जायज़ है और नाजायज़ हीले करना नाजायज़ है। जायज़ हीले बहाने इख्तियार करना ये जायज़ होता है। और इसी से आप ये भी समझें
कि बसा औकात रिश्वत जो हराम है, रिश्वत हराम है, लेकिन कई जगहों पर रिश्वत का लेन देन जायज़ होता है। रिश्वत देना जायज़ होता है, लेना तो जायज़ नहीं है किसी भी हालत में, रिश्वत का देना जायज़ होता है। कहाँ जायज़ होता है? अपना हक वसूल करने के लिए किसी को पैसे दे देना, ये जायज़ होता है। अपना हक हासिल करने के लिए पैसे दे देना जायज़ होता है। मसलन आपको पता है कि आप लोगों ने अपनी CV जमा करवा दी है, मेरठ पे आ चुके हैं और इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला अफसर कहता है जब तक आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे हम आपको ये सीट नहीं दे सकते। तो अब आप जो हैं उस पोस्ट के अहल भी थे और आप मेरठ पे भी आ गए हैं, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है, लेकिन रास्ते में कुत्ता बैठा है जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहा। अब शरीयत ही इजाज़त देती है कि आप इस कुर्सी पर बैठने वाले कुत्ते को हड्डी डालें और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाए, तो ये बिल्कुल जायज़ है। तो लेकिन इसके अंदर अपने आप को समझना समझाना बड़ा अहम और ज़रूरी होता है। इन चीज़ों का वो ख्याल कर लेना चाहिए कि ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये तो उलमा से चीज़ें पूछ लेनी चाहिए, उलमा से चीज़ें पूछ लेनी चाहिए, तो इसका ख्याल कर लेना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आपने घर में बिजली का गैस का मीटर लगवाना है, आपने अपनी दरख्वास्त जमा करवा दी है और डिमांड नोटिस भी आ चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन महकमे वाले वो लई तो लाल से काम ले रहे हैं, कल कर देंगे जी, अब कर देंगे, इसका मकसद क्या होता है? पैसे खाना, वो बग़ैर पैसों के लगाते ही नहीं हैं। तो अब जब आप मेरठ पे आ चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़तनामा गैस का बिजली का मीटर लगवाने का आ चुका है, लेकिन महकमे के लोग नहीं लगा रहे, तो अब आपके लिए शरअन इजाज़त है कि उनको पैसे दें ताकि आपका मीटर लग जाए। आपके लिए तो पैसे देना जायज़ होगा, महकमे वालों के लिए पैसे लेना हराम होगा। ये आप जो दे रहे रिश्वत नहीं है, इसलिए कि रिश्वत की डेफिनेशन ये है कि किसी का हक मार के अपना हक ले लेना या किसी का हक मार के अपने आप को आगे करना। यहाँ पे आप अपना हक वसूल कर रहे हैं, अपना हक वसूल करने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो अपना हक हासिल करने के लिए, अपना हक वसूल करने के लिए किसी को पैसे दे देना, ये रिश्वत नहीं होता, ये जायज़ होता है। हाँ, किसी का हक मार के अपने आप को आगे करना ये हराम होता है, ये हराम होता है, ये जायज़ नहीं होता। वो केस की मिसाल क्या, मसलन आपका बेटा है मैट्रिक किया हुआ, वैकेंसी आई है मास्टर वालों की, अब मास्टर वाले भी वहाँ पे चले गए, CV'ियाँ जमा करा दी, लेकिन आपने सिफारिश लड़ा के, ताल्लुक़ लड़ा के, आप अपना वो बेटा जिसने सिर्फ मैट्रिक की हुई है कुछ पैसे दे दिला के वो सीट ले ली, तो ये हराम है, ये रिश्वत है। क्यों? कि आपका बेटा मेरठ पे आता ही नहीं था, वो इसका अहल ही नहीं था, आपकी बेटी मेरठ पे आ ही नहीं रही थी, इसकी अहल ही नहीं थी, तो आपने जो पैसे दे के वो सीट अपनी रिज़र्व करवा ली है, वो सीट हासिल कर ली है, तो ये रिश्वत है, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। तो मोटी सी बात याद रखें, यहीं से बात निकली कि जायज़ चीज़ों के लिए हीला करना जायज़ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बसा औकात झूठ बोल लेना किसी को नुकसान से बचाने के लिए, वो भी जायज़ होता है, इसी तरीके से हीले कर लेना ये भी जायज़ होता है, बशर्ते कि वो जायज़ जगह हो। हाँ, नाजायज़ हीले करना नाजायज़ है, नाजायज़ हीले करना नाजायज़ है। मसलन वो क्या है, उसकी मिसाल कि रमज़ान में आम तौर पर लोग ज़कात अदा करते हैं, रमज़ान का महीना आया तो खावंद ने ज़कात से बचने के लिए अपने सारे माल का मालिक अपनी बीवी को बना दिया ताकि मेरी मिल्कियत में माल ही ना रहे और मैं ज़कात से बच जाऊं, तो ये नाजायज़ हीला है, इस पर अल्लाह देख रहे हैं, पकड़ फरमाएंगे। या बीवी ने क्या किया, अपना सारे का सारा जेवर अपनी मिल्कियत से निकाल के बेटी को मालिक बना दिया, बेटी को दे दिया कि भाई लो ज़कात का दिन आने वाले हैं, ये तुम इसकी मालिक हो, या अपने खावन को मालिक बना दिया, लो भाई तुम इसकी मालिक हो, अब मेरी मिल्कियत में नहीं है तो मुझ पर ज़कात भी नहीं है, तो ये हीला नाजायज़ है, ये ज़कात से दीन से भागने के लिए हीला किया जा रहा है, इस वजह से ये हीला नाजायज़ है, इस किस्म के हीले करने से परहेज़ करना चाहिए। तो बहरहाल
ये यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात वाकियात में अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हज़रत अय्यूब ने कसम भी खाई थी तो नाजायज़ काम पर कसम खाने से कसम तो हो जाती है, लेकिन वो कसम तोड़ना ज़रूरी है। जायज़ कामों की कसम खाकर उस कसम को पूरा करना लाजमी होता है, अगर बंदा पूरा ना करे तो कसम का कफ़ारा भी देना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ तक जो था वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात थे। ये मैंने ज़रा तफसील से इस वजह से ज़िक्र कर दिए कि हज़रत अय्यूब के बारे में बहुत सारे अफसाने मशहूर हैं कि उनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए और वो कीड़े ज़मीन पर गिरते थे तो उठाकर अपने बदन पर डालते, ज़ुबान पे, ये सारी झूठी बातें हैं। अल्लाह अंबिया को इतनी आजमाइशों में नहीं डालता कि लोग उनसे घिन करने लगें। अल्लाह अपने नेक बंदों को इतनी तकलीफ़ों में नहीं डालता है कि लोग उनसे घिन करने लगें। हाँ, लोग साथ ज़रूर छोड़ गए थे, कुछ लोग साथ रहे, लेकिन ये बात नहीं थी कि अल्लाह माफ़ फरमाए, घिन तक की बात आ जाए। तो हज़रत अय्यूब का जो किस्सा दोबारा मुख्तसरन में अर्ज़ कर देता हूँ, 18 साल भी माल रहे, अपने परायों ने साथ छोड़ दिया, दो दोस्त साथ थे, एक बीवी साथ थी। हाँ, बीमारी ऐसी थी कि बीवी कमाने के लिए जाती, जो कुछ कमा कर लेकर आती आधा अपने अपने खावन पे लगाती थी, आधा अपने खावन के नाम पर सदका कर दिया करती थी कि अल्लाह शिफा अता फरमाए। तो 18 साल जो है बीमारी में रहे, अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों को महफूज रखा, ज़ुबान महफूज थी कि जिक्र करते रहे, दिल महफूज था कि फ़िक्र करते रहे, और अल्लाह ताला ने वो ये आँखें को हिफाजत फरमाई। इन आज़ा को अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया, बाकी आज़ा जो है वो बीमारी की लपेट में आ गए थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम भी खाई और फिर अपनी कसम पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको तदबीर भी सिखा दी, और हज़रत अय्यूब अपने हर किस्म के इम्तिहान के अंदर कामयाब हुए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी हर किस्म की आजमाइश से, मुसीबत से अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम इस लायक नहीं हैं कि किसी किस्म की भी बीमारी आजमाइश के मुतहम्मिल हों, बस अल्लाह ताला हमें आफियत ही में रखे और आफियत ही में हमें अपने शुक्रगुजारी की तौफीक और मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला से यही दुआएं मांगनी चाहिए, आफियत वाली हमेशा। आगे अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं, व इस्माईल व इदरीस बदल किफ़ल कुल्लु मिनस साबिरीन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत इस्माईल का तो आप जानते हैं, तो हज़रत इदरीस और हज़रत ज़िलकिफ़ल इनका मैं ज़रा ज़िक्र कर दूँ आपको कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे और हज़रत ज़िलकिफ़ल कौन थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह ताला के एक मशहूर नबी हैं। हज़रत इदरीस का ज़माना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। हज़रत इदरीस ने दुनिया में कई चीज़ों को ईजाद किया, कलम से लिखना ये हज़रत इदरीस ने सिखाया, लोगों को कलम से लिखना नहीं आता था, हज़रत इदरीस ने वो दरख्त की कलम बनाकर लोगों को लिखाना सिखाया। सीना परोना जो हमारी स्टिचिंग है, लोगों को सीना नहीं आता था, कांटे लगा लिया करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुए ज़मीन पर सबसे पहले लोगों को सलाई कढ़ाई का काम सिखाया। नाप तोल करना, लोगों को पहले वज़न करना भी नहीं आते थे, अंदाज़ों से चीज़ों का लेन देन किया करते थे। हज़रत इदरीस अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने नाप तोल के लिए पैमाने बनाए और तराजू बनाए और नाप तोल करके चीज़ों को रिवाज दिया। और फिर हज़रत इदरीस ही ने वो शख्सियत और नबी हैं जिन्होंने असलहा बनाया, तलवारें बनाई, नेज़े बनाए, भाले बनाए, और असलहा साजी का जो फ़न है ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इब्तिदा है, और उन्होंने लोगों को असलहा बनाना सिखाया था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में जाके हर दुनिया की जो भी ईजाद है उसके पीछे मुसलमान है या कोई नबी है। ये हम तो चूँकि बच्चों को तारीख़ पढ़ाई नहीं जाती ना, हमारे बच्चों को तो अल्लाह माफ़ फरमाए, तारीख़ ने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, इस्लामी हीरो को पीछे कर दिया। देखें ना मीडिया का कमाल, देखें आप, जो ज़ीरो थे उनको हीरो बना दिया, हीरो को ज़ीरो बना दिया। हमारे बच्चे ज़हीन हो ना ज़हीन हो, तो हम ज़हानत की मिसालें क्या कहते हैं अपने बच्चों को, देखो अफलातून लग रहा है, तो शुकरात बुकरात लग रहा है, अफलातून है, अफलातून तो काफिर था,
अल्लाह का नाफरमान था, वो कैसा ज़हीन था जिसको अल्लाह ने ईमान की तौफीक नहीं दी। लेकिन ये मुहावरे चल पड़े, हम भी कहते, हम नहीं कहते देखो यार इमाम राज़ी की जैसे बातें कर रहा है, देखो हज़रत हुसैन जैसी अक्लमंदाना बातें कर रहा है, इमाम बुखारी लग रहा है, अबू हनीफा लग रहा है, इमाम शाफी लग रहा है, ये नहीं कहते हम, क्योंकि हमने अपने हीरो को पढ़ा कोई नहीं है। हमने अफलातून का नाम सुना, सुकरात बुकरात का नाम सुना, जहानत में गैरों की मिसालें देते हैं, अपने हीरो को भूल जाते हैं। ये तारीख ने भी जुल्म किया और हम लोगों ने भी अपनी नस्लों के साथ जुल्म किया। हम सखावत में मिसाल देते हैं ना, सखावत में किसकी देते हैं, कोई आदमी ज़्यादा खर्च करे तो क्या कहते हैं, देखो हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी, हातिम ताई लग रहा है। हालांकि हातिम ताई नेक इंसान थे लेकिन मुसलमान नहीं थे। हातिम ताई से बढ़कर बहुत सखी हज़रत उस्मान गनी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, हज़रत हसन हुसैन थे, हमारे बहुत सारे उलमा और बुजुर्गान दीन थे, वो बहुत बड़े बड़े सखी थे। लेकिन जब हमने मिसाल देनी होती है तो क्या कहते हैं, देखो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी, हातिम ताई लग रहा है। ये नहीं कहते कि देखो हज़रत हुसैन की तरह सखावत कर रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह ये सखावत के दरिया बहा रहा है, देखो हज़रत उस्मान गनी की सखावत के इसके अंदर जरासीम है, ये नहीं कहते हम। क्यों? माजरत के साथ हमने पढ़ा ही अंग्रेज़ों को है, सुना ही उनको है, उन्हीं की तारीखों से हमने चीज़ों को लिया है, इस्लामी तारीख ही भूल गए। हमारे बच्चों से पूछ लें, वो जितने भी नाम बताएंगे सब वो उनके बताएंगे जो नॉन मुस्लिम हैं। हम ये समझते हैं कि जितनी भी इजादात हैं सब गैर मुस्लिम हैं, हालांकि जितनी भी इजादात हैं आप डीपली जाएं, गहराई से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा हर इजाद के पीछे किसी मुसलमान का हाथ है, मुसलमान ने उसकी बेस और बुनियाद रखी है। लेकिन चूंकि हमारी ला इल्मी, कम इल्मी, ना पढ़ने वालों को पता ना पढ़ाने वालों को पता, हम जो हैं वो गैरों को अपना हीरो बना लेते हैं। इस्लामी हीरो बच्चों को पेश करें, इस्लामी हीरो बच्चों को सहाबा का तारुफ़ करवाएं, बच्चों को जो इस्लामी शख्सियात हैं वो पढ़ाएं, बताएं उनके बारे में, उनको बताएं कि कितने अजीम लोग थे, ताकि हमारे बच्चों का भी वैसा सा बनने का दिल करे, वो भी तमन्ना करें कि वैसे हमारे बच्चे अल्लाह माफ़ फरमाए क्या कहते हैं, सुपरमैन बनेंगे, स्पाइडरमैन बनेंगे, और जनाब जन हर पुलिस बनेंगे। वो ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि खालिद बिन वलीद बनेंगे, उस्मान गनी बनेंगे, हज़रत हमजा बनेंगे, हज़रत हसन हुसैन बनेंगे, इमाम राजी और गजाली बनेंगे, कहना तो ये चाहिए था तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे, मूसा बिन नसीर बनेंगे, लेकिन कहते हैं कि जनाब हम अंग्रेज़ी हीरो बनेंगे। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये हम गलत तरफ को चल पड़ें। अगर बच्चों को यही रविश देके गए तो फिर बच्चों ने हमारे बनने के बाद हमारा नाम भी नहीं लेना है, हमारे लिए उन्होंने कोई सदका खैरात और इसाले सवाब भी नहीं करना है। तो बच्चों को सही से तालीम देखें ना, ये कितनी सनत है, कलम से लिखना और जनाब सीना परोना, कढ़ाई सलाई का काम, नाप तोल के काम, असलहा साजी के काम, ये सारे के सारे मुसलमानों की ईजाद हैं, ये मुसलमानों की अंबिया की ईजाद हैं। और इसी तरीके से जो ये इल्म नुजूम था और इल्म हिसाब था, ये भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुआ, हज़रत इदरीस ने इसको शुरू करवाया था। और हज़रत इदरीस का असल नाम उखनू था, मगर पढ़ाने की कसरत की वजह से इनका नाम इदरीस मशहूर हो गया। ये बहुत पढ़ाते थे, इनका काम ही पढ़ाना था, जो आसमान से वही उतरती लोगों को पकड़ पकड़ के सिखाया करते थे, समझाया करते थे, तो आपका नाम ही इदरीस पड़ गया। पढ़ाने वाले को इदरीस कहा जाता है तो आपका नाम इदरीस पड़ गया। 72 ज़ुबानों के माहिर थे, अल्लाह ताला ने इनको 72 ज़ुबानें सिखाई थी, 72 ज़ुबानों के माहिर थे ये। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो हज़रत इदरीस को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता की है तो इन्होंने शरीर और फसादी लोगों को तबलीग शुरू की, तो किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, छोटी सी जमात, थोड़े से लोग इनके हाथ के ऊपर मुसलमान हुए हैं। तो हज़रत इदरीस ने हिजरत का इरादा किया और अपने ताबोदारों के साथ हिजरत की है। और जब हिजरत करके दरियाए नील के किनारे पहुँचे हैं तो मिस्र में अल्लाह ताला की शरीयत का निफाज किया और हर किस्म की ज़ुबान भी जानते थे, लोगों को दीन सिखाना शुरू किया, लोगों को हिकमत की बातें सिखाई, लोगों में सियासत को और फिर इस्लामी तरीके के मुताबिक शरीयत के निफाज को आम किया।
तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी उसमें ये क्या था कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ, अदल व इंसाफ़ को अपने पेश नज़र रखना और अल्लाह ताला की इबादत करना। अयाम 20 के रोज़े रखा करते थे ये लोग, 13, 14, 15 अयाम 20 के रोज़े हैं। आप अलैहिस्सलाम भी हर महीने ये 3 रोज़े रखा करते थे, 13 का, 14 का, 15 का। इन्हें अयाम 20 के रोज़े कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स हर महीने के ये 3 रोज़े रखेगा अल्लाह ताला पूरे महीनों के रोज़ों का अजर अता फरमाएंगे। 3 रोज़े रखने वाले को गोया के 30 दिनों का अजर मिल गया। अगर रोज़े रखने ही हुआ करें, आम तौर पे औरतों को रोज़े कज़ा करना पड़ जाते हैं, तो अपनी आदत बना लें जुमेरात का पीर का रख लें या अयाम 20 में रोज़ों की कज़ा शुरू कर दें। अयाम 20 क्या होते हैं? 13, 14, 15। इसी रोज़े में अपनी कज़ा रोज़ों की नियत कर लें। कज़ा रोज़ों की नियत करेंगी तो रोज़े कज़ा जो रमज़ान के थे वो भी अदा होना शुरू हो जाएंगे और अयाम 20 के रोज़ों का भी सवाब मिलेगा। और इसमें तीसरी नियत अपनी हाजत की भी कर सकते हैं। आपको कोई काम हो, अल्लाह ताला से ज़रूरत हो, तो अयाम 20 के रोज़े में आप 3 नियतें कर सकती हैं कि ये 100 में हाजत है, या अल्लाह इसकी बरकत से मेरी फ़लाँ ज़रूरत को पूरा फरमा। इसी में कज़ा की नियत भी कर लें और अयाम 20 का रोज़ा भी हो जाएगा। तो एक ही रोज़े में 3 नियतें पूरी हो जाएंगी, कज़ा भी हो जाएगी, अल्लाह ताला 1 की बरकत से 10 का, 3 की बरकत से 30 दिनों का सवाब भी अता फरमाएँगे और इंशाअल्लाह हाजतें और ज़रूरतें पूरी होना भी शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी बरकतें अता की हैं। एक नफल में आप कई नियतें कर सकती हैं। एक नफल में देखें तहय्यतुल वुज़ू, चले मैं बात छिड़ी पड़ी तो मज़ीद आपको बात बता दूं कि ये इल्म की बात है और अल्लाह ताला ने इल्म की एक बात हासिल करने पर 1000 रकत नमाज का सवाब रखा है। एक बाब, आप लोगों के इल्म के अंदर एक एक बाब का इजाफा हुआ, 1000 का सवाब तो आम दिनों में है। रमज़ान में अल्लाह 70 से ज़रब दिलवा दें, 70,000 नफल रकतें पढ़ने का सवाब अल्लाह अता करते हैं। आपने एक बात सीखी, एक इल्म की चीज़ हासिल कर ली। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि तहय्यतुल वुज़ू एक नमाज है। वज़ू करने के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि 2 रकत पढ़ा करते थे वज़ू के बाद। वज़ू करके आप मुसल्ले पर जाएं, 2 रकत तहय्यतुल वज़ू की नियत से पढ़ें। शायद ये आप पहले सुना हो, लेकिन अब मैं आपसे दुआ गुजारिश करता हूँ कि इसको कभी कभी पढ़ भी लिया करें। अब इस एक तहय्यतुल वज़ू में कई नियतें कर लें। इसमें आप तहय्यतुल वज़ू की नियत भी कर लें, सलात हाजत की नियत भी कर लें, और जो आपने नियत करनी है वो भी कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर नियत आपसे नफली एतबार से नियत की जा सकती है तो वो कर सकती हैं। अब इस 2 रकत नमाज नफल पढ़ने में तहय्यतुल वज़ू का सवाब भी मिल गया, आपकी हाजत भी पूरी हो गई। शुक्र की नियत भी कर सकते हैं कि अल्लाह ये 2 रकत शुक्राने के भी हैं, हाजत के भी हैं, तहय्यतुल वज़ू के भी हैं। 3 नियतें लो मैंने आपको बता दी, तो एक ही रकत में 3 नियतें आप कर सकती हैं, तो एक सुन्नत भी आप अलैहिस्सलाम की पूरी हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया मन अहया सुन्नति इंद फसादी उम्मति फलहु अजर मिअति शहीदिन, जो बिगाड़ के ज़माने में मेरी एक सुन्नत को पूरा करेगा अल्लाह 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। तो ये सुन्नत मिट चुकी है, ये सुन्नत कोई अदा नहीं करता। चंद अरबों में रिवाज है, अरब पढ़ते हैं वज़ू करने के बाद 2 रकत तहय्यतुल वज़ू। हम अजमी लोग नहीं पढ़ते, अजमी में चलें उलमा में कुछ मर्द जिनको पता है वो पढ़ लेते हैं, औरतें तो पढ़ती नहीं हैं। तो आज आपने ये बात सुन ली तो अब कोशिश करें कि वज़ू करके भी 2 रकत तहय्यतुल वज़ू की नीयत से पढ़ लिया करें। इसी एक रकत में तहय्यतुल वज़ू की नीयत भी कर लें, शुक्राने के 2 नफल की नीयत भी कर लें, सलात हाजत की नीयत भी कर लें, तो क्या मिलेगा? एक आप अलैहिस्सलाम की मिट्टी सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब, और उसका अजर कितना है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मन अहया सुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अजर मिअति शहीदिन, जो फसाद के ज़माने में बिगाड़ के ज़माने में मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा अल्लाह 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। तो 100 शहीदों का अजर पा सकती हैं आप। एक ही मिलेगा, दूसरा
जो है आपको जो है इसके पढ़ने के ऊपर अल्लाह तहय्यतुल वुज़ू का, सलात हाजत का, शुक्राने का सवाब भी अता फरमाएंगे, तो इसका भी जो है वो अहतमाम कर लिया जाए। तो ये जो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें चीज़ें मिल गई। बात चल रही थी कि अय्याम 20 के रोज़े रखना, ये भी हज़रत इदरीस ने सिखाया था। और इस दुश्मनान इस्लाम से जिहाद करना, ज़कात देना, पाक रहना, कुत्ते और खिंजीर से परहेज़ करना, हर नशा आवर चीज़ से परहेज़ करना, ये हज़रत इदरीस की तालीमात थी। ये हज़रत इदरीस की तालीमात थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दुश्मन जब इनके पीछे आए हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और कहा वरफ़ानाहु मकानन अलिया, हमने इदरीस को बुलंद मकाम व मर्तबा अता कर दिया। वरफ़ानाहु मकानन अलिया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस को आसमानों पर ज़िंदा उठाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले गुज़रे हैं। हज़रत नूह और हज़रत इदरीस के दरमियान में 1000 साल का फ़ासला है, 1000 साल का फ़ासला है। तो दो नबी आसमानों पर ज़िंदा बुलाए गए हैं, एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इनको दुनिया में गोया कि आप कह लें कि मौत दे के अल्लाह ने, चौथे आसमान पर हैं, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा उठाया है। हज़रत ईसा तो दोबारा दुनिया में आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर, लेकिन हज़रत इदरीस को दोबारा ज़मीन पर नहीं लाया जाएगा। अलबत्ता इनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम की रूह से उठाया, आसमानों पर ज़िंदा है और ये आसमानों पर ज़िंदा हैं, चौथे आसमान में हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ लेके गए हैं तो चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया है। तो हज़रत इदरीस के बारे में भी ये जो मालूमात शायद पहले आपको नहीं थी तो मैंने मोटी मोटी मालूमात बता दी हैं। अब यहाँ से आपने ये जहन में रखना है कि जितनी भी इस दुनिया के अंदर इजादात हुई हैं, इन्वेंशन हुई हैं, हर ईजाद के पीछे किसी न किसी मुसलमान का हाथ है। तो हमें मुसलमान होने पर फ़ख्र भी करना चाहिए, अपने बच्चों को ये बातें बतानी भी चाहिए। और एक अहम नुक्ता जो मैंने आपको बताया है, इस्लामी हीरोज़ को प्रोमोट करें, काफिरों के हीरों के बारे में ना बताएं, काफिरों के हीरों के बारे में ना बताएं, इस्लामी जो हीरो हैं उनको बताना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए कि इस्लामी हर चीज़ किसी न किसी मुसलमान ने दी है। सखावत की मिसाल देनी हो तो हज़रत उस्मान गनी अब्दुर्रहमान बिन औफ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा किया करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हुआ, जब दुनिया से चले गए तो पता चला, जब कैसे पता चला, जब इंतकाल हुआ ना तो जब इनको गुसल दिया गया तो कमर पर रस्सियों के निशान थे, कमर पर रस्सियों के निशान, सारा जिस्म रस्सियों के निशान से भरा हुआ था। तो लोगों को कुछ को पता था, इनके घर में अक्सरों को नहीं पता था। अच्छा, रस्सियों के निशान से लोगों को समझ नहीं आई, बाद में पता चला कुछ अरसे के बाद कि 100 घराने ऐसे थे, 100 घर के जिनमें रात को छुप छुपा कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना पहुंचाया करते थे, साजो सामान और राशन पहुंचाया करते थे। हातिम ताई ने कभी भी ऐसे नहीं किया, खुल खुला के दिखा के वो दिया करता था। ये हमारे इस्लामी हीरो हैं जो छुप छुपा के भी अल्लाह के बंदों को राज़ी करने की कोशिश करते थे कि पता नहीं चलता था। 100 घर ऐसे निकल आए कि जिनको हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन राशन पहुंचाया करते थे। तो इस्लामी हीरो की मिसालें बच्चों को दिया करें, इस्लामी हीरो के बारे में बताया करें, खालिद बिन वलीद के बारे में बताएं, मूसा बिन नसीर के बारे में बताएं, तारिक बिन ज़ियाद के बारे में बताएं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताएं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बच्चों को बताएं कि जब सुलेमान ने, ये अजीम लोग थे, इनकी बातें होती हैं सुनाने वाली, जब सुलेमान ने इंतकाम की आग में आके अपने लोग भेजे हैं और कहने लगा कि मोहम्मद बिन कासिम को बर्रे सगीर से पकड़ कर लाओ, गले में तोक डाल कर लाओ, गले में तोक डाल कर लाओ,
अब मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर यहाँ लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं। मरहटे हिंदू मोहम्मद बिन कासिम का दुल इंसाफ देकर जान देने को तैयार हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम के पास बादशाह का ये पैगंबर आया है और कहने लगा कि मोहम्मद बिन कासिम के पाँव में जंजीरें और गर्दन में तोप डाल के लाया जाए, तो ये कहने लगे हिंदू जो मुसलमान हो गए थे, कहने लगे कि हम आपके साथ मिलकर सुलेमान के तख्ते को उलट देते हैं और आप बादशाह वक्त बन जाएं। अब छोटे लोग छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर। छोटे लोगों के तो यही लालच और तमन्ना होते कि हाँ हम किसी तरह से कोई अहदा मकाम हासिल कर लें। लेकिन हज़रत मोहम्मद बिन कासिम क्या कहने लगा कि नहीं, यहाँ से तो मैं नहीं चाहता कि कल तारीख वाले कहें कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सल्तनत बनाने के लिए मुसलमानों का खून करवा दिया, मैं नहीं चाहता। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, अपने शहर से तो निकला ये बग़ैर जंजीरों के, ताकि जो इसके फॉलोवर्स थे और इसके चाहने वाले थे वो बुरा ना मनाएं, वो हाइपर ना हो जाएं, तैश में ना आ जाएं। अपने शहर से निकला वैसे ही, लेकिन जब इसके शहर के ये जो हिंदू मुसलमान हुए थे ये पीछे रह गए, तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया, गर्दन में तोक डाल लिया कि हमारे बादशाह का हुक्म है और बादशाह का हुक्म नहीं ठुकराया जाता, मैं बादशाह के पास ऐसे ही हाजिर होऊंगा। ये होते हैं बड़े लोग। तो अपने बच्चों को ये बताएं कि इस्लामी हीरो तो दुनिया में फितना फसाद को ख़त्म करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते थे, लेकिन उम्मत को नहीं लड़वाया करते थे, उम्मत को बचा लिया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कैद में हैं और महसूर हैं, तो मदीना मुनव्वरा के लोग कह रहे हैं, जिनमें हज़रत हसन हुसैन भी है, कि हम इन बागियों को कत्ल कर दें, ये 500 तो लोग हैं, हम कितने सारे हैं, हम इनको कत्ल कर दें। तो हज़रत उस्मान गनी ने क्या फरमाया था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुसलमानों का खून बहे, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मुसलमानों का खून बहे। खुद अपना खून दे दिया, खलीफा हैं लेकिन मुसलमानों का खून नहीं गिराने दिया, मुसलमानों का खून नहीं बहाने दिया। अपने बच्चों को ये बताएं, ये हमारे बड़े थे, ये थे अजीम लोग कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अमन को आम करने के लिए, अमन के प्रचार के लिए खुद की कुर्बानियाँ दे दीं, लेकिन मुसलमानों को नहीं लड़ने दिया, आपस में दस्तोगिरेबान नहीं होने दिया, आपस में उन्होंने झगड़ने नहीं दिया। ये बातें बताया करें, तो ये बताएं, इंशाल्लाह ये हमारे लिए भी सदका जारिया बनेंगी, और ये बातें हमारे पास अमानत हैं। अगर ये बातें हमने अपनी नस्लों को नहीं बताएं, तो याद रखे हम खाइन शुमार होंगे, हम खयानत करने वाले होंगे, अपने बच्चों का हक मारने वाले होंगे, बच्चों को सही और सीधी बातों को से दूर रखने वाले होंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें अपने बच्चों को बताने की है। आगे चल कर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, व इस्माईल व इदरीस वदल किफ्ल, ज़ल किफ़ल भी अल्लाह ताला के एक नबी गुज़रे हैं, बरगुज़ीदा नबी गुज़रे हैं हज़रत ज़ल किफ़ल के बारे में। तो इनके बारे में जो रिवायात हैं और मुस्तनद रिवायात हैं वो मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से जो नकल किया है वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ। वो क्या है, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी पैगंबर थे, जब बूढ़े और ज़ईफ़ हो गए तो इरादा किया कि किसी को अपना खलीफा बना दें, जो उनकी ज़िंदगी में वो सब काम करे जो ये किया करते थे और जो अंबिया के ज़िम्मे हैं वो काम करें। तो इस मकसद के लिए हज़रत यसा ने ऐलान किया, अपने सारे सहाबा को जमा किया कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जिसमें तीन शर्तें हों, जो शख्स इन शर्तों को पूरा करेगा उसको खलीफा बनाऊंगा। वो तीन शर्तें ये हैं कि वो हमेशा रोज़ा रखता हो, नंबर दो हमेशा रात को इबादत करता हो, नंबर तीन कभी गुस्सा ना करता हो। जिस शख्स में मेरे सहाबा में से, मेरे शागिर्दों में से, मेरी उम्मत के लोगों में ये तीन बातें पाई जाती हैं वो मेरा खलीफा बनेगा, कि हमेशा रोज़े रखता हो, हमेशा रात को इबादत करता हो, कभी गुस्सा ना करता हो। मजमा में से एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसे लोग हकीर और जलील समझते थे, गरीब, गरीब किस्म का,
अजीब सी हालत वाला ऐसा आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा मैं इस काम के लिए हाजिर हूँ। हज़रत यसा ने पूछा क्या तुम हमेशा रोज़ा रखते हो, रातों को जागते हो, कभी गुस्सा नहीं करते? वो कहने लगा कि हाँ मैं ये तीनों काम करता हूँ। हज़रत यसा ने उसकी बात पर एतमाद नहीं किया और उसको ठुकरा दिया। फिर किसी और दिन ऐलान किया कि मैं किसी को अपना खलीफा बनाना जा रहा हूँ और मेरा खलीफा वो होगा जिसमें तीन शर्तें पाई जाएं, हमेशा रोज़े रखता हो, हमेशा रात को इबादत करता हो और कभी गुस्सा ना करता हो। तो कोई भी खड़ा ना हुआ, सारे मजमे में फिर ये शख्स खड़ा हो गया जिसको लोग अजनबी समझ रहे थे, लोग जिसको हकीर समझते थे, ये शख्स खड़ा हुआ। शैतान ने देखा कि ज़ुल्किफ़्ल कामयाब, ये इस लड़के का और इन शख्सियत का नाम था ज़ुल्किफ़्ल। ज़ुल्किफ़्ल कफालत करने वाले, गरीबों के पुरसाने हाल। किफ़्ल का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला, अपनी जितनी जिम्मेदारियां जिम्मे में लग जाएं सब को पूरा करने वाले को कफ़ील और किफ़्ल कहा जाता है, और इसी से फिर ये ज़ुल्किफ़्ल नाम रखा इनका। तो शैतान ने देखा कि ज़ुल्किफ़्ल तो कामयाब हो गए, तो शैतान ने अपने दोस्तों से कहा कि किसी तरह इस शख्स के ऊपर असर डालो कि ये कोई काम कर बैठे जिससे इसका ये ओहदा छिन जाए। तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल को हज़रत यसा ने अपना खलीफा बना दिया, और इधर शैतान फिर गुस्से में आ गया कि ये बंदा कामयाब हो गया इतने बड़े ओहदे में और ये अब दीन का पैगाम आम करेगा। तो शैतान ने अपनी सारी औलाद को लगा दिया कि इस शख्स को वरगलाओ, इसको काबू में लेकर आओ। लेकिन किसी तरह से हज़रत ज़ुल्किफ़्ल उस शैतान के शतुंगड़ों के काबू नहीं आए। तो शैतान परेशान होकर कहने लगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद इससे निपटूँगा। तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अपने वादे के मुताबिक दिन भर रोज़ा रखते, रात भर जागते थे, सिर्फ दिन में कैलुला करते थे। कैलुला, कैलुला बोलते दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा सो जाना, इसको कैलुला कहा जाता है। दिन में कैलुला करते थे, सारी रात जागते, सारा दिन रोज़ा रखते। तो शैतान ऐन दोपहर को उनके कैलुले के वक्त आ गया। शैतान ये चाह रहा था कि मैं इनकी नींद, जो दिन में थोड़ी देर सोते हैं, डिस्टर्ब कर दूं, इनको गुस्सा दिला दूं, जिससे इनको जब गुस्सा आएगा अपनी शर्त पर पूरा ना उतरने की वजह से इनसे इनका ओहदा छीन लिया जाएगा और ये नबूवत के लायक नहीं रहेंगे। तो शैतान दोपहर के वक़्त में आया, दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल जाग गए, पूछा कौन? कहने लगा मैं बूढ़ा मज़लूम हूँ। मैंने पहले भी शैतान के कई वाक़े आपको सुनाए हैं ना। शैतान ये इंसानी शक्लों में भी आता है, हर ज़माने हर माशरे में आता है। ये मेरे नबी के ज़माने में भी आया, हज़रत इब्राहिम के ज़माने में भी आया, ये जो है वो अहद वाले दिन भी आया। कई मौक़ों पर इंसानी शक्लों में आकर इसने इंसानों को वरगलाने की कोशिशें की हैं। ये हज़रत अय्यूब के पास भी आया इंसानी शक्ल में, उनकी बीवी के पास भी आया, ये यहाँ भी बदबख्त बूढ़ा बन के आ गया। तो ये क़यामत तक रूप बदल के, शक्लें बदल के इंसानों के पास आएगा, वरगलाएगा, बहकाएगा। बस ये हमारे ज़िम्मे के कैसे इसकी शरारतों से बचा जाए। तो ये बूढ़ा बनकर आया, इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, इसने अंदर पहुँच कर एक अफसाना कहना शुरू कर दिया कि मेरी बरादरी का मुझसे झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझ पर वो जुल्म किया। एक तवील दास्तान सुनाई, यहाँ तक सुनाता रहा, बातों में लगा रहा। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के दोपहर के सोने का वक़्त ख़त्म हो गया। देखें इसी तरह से बसा औकात अल्लाह माफ़ फरमाए, लोग समझते नहीं हैं वो उलमा को तंग। देखिए अगर एक दरवाज़ा खुला हुआ है किसी का तो तंग नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा लोग खामखा, एक दफ़ा मुझे शहरी में फ़ोन बज 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 के पूछा, क्या मैंने फ़ोन उठाया जी कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। ओ अल्लाह के बंदे, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी कि जनाब जो है वो 85वीं दफ़ा फ़ोन बजा 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 के सवाल किया, खौदा पहाड़ निकला चुका कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है।
तो लोग जो हैं वो बस औकात इतना तंग करते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन अल्लाह वाले बड़े लोग बड़े होते हैं, बहरहाल इन चीज़ों का ये एहसास नहीं करते। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग मसरूफ़ होते हैं, जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनको इतना तंग नहीं करना चाहिए कि बेचारे वो गुस्से ही में आ जाएँ। तो कई ऐसे लोग दुनिया के अंदर हैं जिनकी बड़ी मसरूफ़, जिनके हज़ारों काम होते हैं, जिन्होंने दो चार लोगों को नहीं, 200-400 लोगों को जवाब देने होते हैं, तो वो सोच समझ के हमें ऐसे लोगों से वो ताल्लुक़ रबता करना चाहिए कि कहीं नींद का वक़्त ना हो, आराम का वक़्त ना हो, परेशान ना हो। अब शैतान ने भी ये किया कि उनके कैलूले के वक़्त में आ जाता, पहले दिन आया तो नींद का वक़्त ख़त्म हो गया। हज़रत ज़िलकिफ़ ने फरमाया जब मैं बाहर आऊँ तो मेरे पास आ जाना, जब मैं फ़ैसलों की नजीस और ये जिरगा लगाऊँगा मैं तुम्हारा हक़ दिलवा दूँगा। हज़रत ज़िलकिफ़ ज़ोहर के बाद तशरीफ़ लाए और अदालत में इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो बूढ़ा नहीं आया। अगले रोज़ फिर जब अदालत का फ़ैसला ख़त्म हो गया तो दोपहर को कैलूले के वक़्त ये लेटे हैं, सारी रात जागते रहे हैं, दिन में रोज़ा रख लिया, फिर कैलूले के लिए लेटे तो ये शख्स फिर आ गया, फिर दरवाज़ा कूटना शुरू कर दिया। पूछा कौन? जवाब दिया कि एक मजलूम बूढ़ा हूँ। दरवाज़ा खोला, देखा वही कल वाला शख्स है, तो कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि ज़ोहर के बाद मेरी मजलिस में आना, तुम्हारा फ़ैसला करूँगा? तो ये कहने लगा कि हज़रत मेरे मुखालिफ बड़े खबीस लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि आप अपनी मजलिस में बैठे हैं और मैं हाजिर हूँगा तो आप उनको मेरा हक़ देने पे मजबूर करेंगे, तो उन्होंने उस वक़्त इकरार कर लिया कि हम तेरा हक़ देते हैं। फिर जब आप मजलिस से उठ गए तो इनकारी हो गए उन्होंने, फिर इस वजह से मैं फिर अपनी फरियाद लेके आपके पास आया हूँ। ये उसने किस्सा सुनाना शुरू किया, फिर ज़ोहर का वक़्त, वो कैलूले का वक़्त निकल गया। तो हज़रत ज़िलकिफ़ ने कहा था अच्छा आज मेरे पास ज़ोहर के बाद आ जाना, फ़ैसला कर दूँगा। वो ज़ोहर के बाद फिर कोई नहीं आया। अब दो दिन दो रातें गुजर गईं, हज़रत ज़िलकिफ़ ने लम्हा भर के लिए आँख नहीं झिपकी, नींद नहीं आई। अब जब तीसरा दिन आया तो हज़रत ज़िलकिफ़ ने कह दिया था कि किसी को मेरे कमरे में ना आने दिया जाए। अब जो कमरे पर पहरेदार था ये पहरा दे रहा है कि वो बूढ़ा फिर आ गया, उसने आके दस्तक देना चाहिए, आवाज़ देना चाहिए, तो खादिमों ने भगा दिया, उन्होंने कहा भाग जाओ। हज़रत ज़िलकिफ़ ने सख्ती के साथ मना किया है कि कोई ना आने पाए। ये तो शैतान थे, इसने क्या किया, ये छुप छुपा के जो सुराख होता है रोशनदान, रोशनदान में से छुप कर ये घर में आ गया। रोशनदान में से छुप के ये घर में पहुंचा तो हज़रत ज़िलकिफ़ ने जब अपने कमरे में देखा कौन हो, तो पहचान के वही बूढ़ा है, कहाँ से आए हो, दरवाज़ा तो बंद है। तो ये आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, हज़रत ज़िलकिफ़ पहचान गए, कहने लगा अच्छा तू शैतान है, बदबख्त है, तू खुदा का दुश्मन है। तो कहने लगा कि हाँ मैं ही शैतान हूँ और मैंने हर तदबीर अपना ली कि आपको अपने जाल में फंसा लूँ, और मैंने हर तरह से कोशिश कर ली कि आपको गुस्सा भी दिलवा दूँ, लेकिन आप मेरे जाल में नहीं आए और मेरे गुस्से में भी नहीं आए, मेरे गुस्से में भी नहीं आए। तो ये जो है हज़रत ज़िलकिफ़ का वाकिया है, ये अपने इन शराइत पर पूरा उतरे, अल्लाह ने जांच पड़ताल की, अल्लाह ने ठोक बजा के देखा, तब जाके अल्लाह ने नबूवत अता की है। तो अल्लाह ताला बड़े को बड़ा वैसे नहीं बनाते, अल्लाह बड़ी जांच पड़ताल करते हैं, ठोक बजा के देखते हैं, अल्लाह इंसानों की बड़ी भट्टियों से गुजारते हैं, तब जाके बड़े बड़ा बनते हैं। आप देखते नहीं हैं मेहंदी जब रंग लाती है ना, तो रंग लाने से पहले बड़ी भट्टियों से गुजरना पड़ता है। वो मेहंदी का पत्ता गर्मी के अंदर कई साल तक खड़ा रहता है, गर्मी बर्दाश्त करता है रंग पहुंचाने के लिए। वो जब वो डंडियों से टूटते हैं उसके पत्ते, तो सिर्फ रंग पहुंचाने के लिए उनके ऊपर लोग आकर अपने पाँव से मसलते हैं, उनको धूप में सुखाते हैं। वो मेहंदी का पत्ता रंग लाने के लिए धूप में सूखता है, जब सूखता है तो चक्की में उसको चलाया जाता है, चक्की के पार्ट उसको पीस पीस के या सिल बट्टे पर पीसा जाता था। मेहंदी वो रंग देने के लिए सिल बट्टे पर पीसती है, चक्की के पार्टों में चलती है, तो तब जाके रंग आता है।
गंदम का एक दाना पेट में जाने के लिए, रोटी पकने के लिए कितने मराहिल से गुजरता है, बेशुमार वो लोगों के पाँव में रुंधता है, जानवरों के पाँव में रुंधता है, फिर वो कटता है, फिर चक्की के पाट में पिसता है, फिर जाके गरम तवे पे चढ़ता है, फिर जाके रोटी पकती है। तो याद रखें, बड़ा बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं कोई बड़ा बन जाता। हम दुआएं तो करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों को बड़ा बना, अजीम इंसान बना, कामयाब इंसान बना, अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, लेकिन कुर्बानियां देने को तैयार नहीं है। उनकी रातों को नींद हम जगाने, हम तो नमाज के वक़्त उनको जगाने को तैयार नहीं होते कि फजर में अगर आँख खुल गई तो इनकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। तो तमन्नाओं से कोई बड़ा नहीं बना करता, आरजुओं से कोई बड़ा नहीं बना करता, हाँ दुआओं के साथ साथ दवाएं करनी पड़ती हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुर्बानियों की भट्टियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके बड़े लोग बनते हैं, तब जाके अल्लाह नस्लों में उलमा और ख़ानदानी किस्म के बड़े लोग अल्लाह पैदा करता है। निजी दुआओं से काम नहीं होता है। इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए, कोई काम भी सिर्फ दुआ से नहीं हुआ, हर काम में दवा करनी पड़ी है, कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तो हज़रत ज़िलकिफ़ल कितने दर्जे की कुर्बानियाँ देकर यहाँ से गुज़र रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहरहाल यह हज़रत ज़िलकिफ़ल का वाक़िया था, अल्लाह ताला ने इनको नबुव्वत अता की और नबुव्वत के बाद फिर जो है अल्लाह ताला ने इनको सारे ये मकाम और मर्तबे अता कर दिया। आगे चलकर वज़न्नूनी ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया ज़िक्र कर रहे हैं। नून, ज़न्नून भी इनको बोलते हैं, वज़न्नूनी, नून बोलते हैं मछली को, मछली को, चूँकि ये मछली का वाक़ इनके साथ पेश आया था और सूरह अंबिया की ये जो 87 नंबर आयत है जिसको आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, हालात से निकलने के लिए बड़ी मुजर्रब है, परेशानियों से निकलने के लिए, हालात से निकलने के लिए इस आयत का विर्द भी किया जाता है, वजीफ़ा भी किया जाता है। 313 दफ़ा ये आयत पढ़ भी लेनी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, मतलब क्या है, ला इलाहा, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, अंता सुभानक तू हर ऐब से पाक है, या अल्लाह तेरी वो ज़ात है जिसमें ऐब कोई नहीं है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैं तो बड़ा ज़ालिम हूँ, मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया, अपनी रूह पर ज़ुल्म किया, अपने ईमान पर ज़ुल्म किया, या अल्लाह मैंने तो बड़े ज़ुल्म ढा रखे हैं, मैं बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक मैंने या अल्लाह हर दौर में अपनी जान पर ज़ुल्म किए हैं, ऐब से तो बस तेरी ज़ात पाक है, या अल्लाह मुझे मेरे मसाइल से निकाल, ये इसका मतलब होता है। इस मतलब को जहन में रख के आयत करीमा का विर्द करना चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, या अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक भी नहीं है, तेरी ज़ात में ऐब भी कोई नहीं है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह हम ऐबों से भरे पड़े, या अल्लाह हम अयूब से भरे पड़े, मेरे अंदर तो ये ऐब भी है, फिर इंसान अपने ऐब सोचे, या अल्लाह मेरे अंदर ये ऐब भी है, ये बुराई भी है, ये नक्स भी है, ये कमी भी है, मैंने ये जुल्म भी किए हैं, या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये असल में आयत करीमा तौबा और इस्तिगफार है, तौबा इस्तिगफार के बेशुमार अल्फाज हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूब इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूब इलैह, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, तौबा इस्तिगफार हैं। इसमें इंसान अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का इजहार कर रहा होता है। तो आयत करीमा को सिर्फ अल्फाज का रट्टा ना लगाएं कि अल्फाज ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, वो मन के फेरते रहें, तस्बीहात फेरते रहें, नहीं, मतलब जहन में रख के पढ़ें कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह का हर ऐब से पाक होना और अपने आप का गुनाहों के अंदर भरा होना, ये हमारे जहन में हो, इस मतलब को जहन में रख के आयत करीमा का विर्द करें, इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह सुकून भी देगा, मसला भी हल फरमाएगा। तो ये मतलब जहन में रखना ज़रूरी है। हम रट्टे लगाते हैं चीज़ों के, तोते की तरह रट्टा लगा के पढ़ रहे होते हैं, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। चीज़ों को मतलब जहन में रख के पढ़ने की आदत बनाएं। अब देखें, ला दुरूद शरीफ जब पढ़ा करें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सामने होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने हम पर कितने एहसानात किए हैं, हम उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए दुरूद पढ़ रहे हैं। जब इस्तिगफार किया करें, अपने गुनाहों को सामने रखकर इस्तिगफार किया करें, तौबा इस्तिगफार किया करें।
जब पढ़ा करें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितना खूबसूरत मतलब है, लेकिन हम में से शायद ही किसी को इसका मतलब पता हो। क्या मतलब है ला हौला? या अल्लाह, किसी गुनाह से बचने की ताकत तेरी तौफीक के बगैर नहीं मिल सकती। अल्लाह, मैं किसी गुनाह बुराई शर नुकसान तकलीफ़ आजमाइश से तेरी तौफीक के बगैर नहीं बच सकता। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या अल्लाह, कोई खैर और नेकी का काम तेरी तौफीक के बगैर नहीं कर सकता। कोई खैर और नेकी का काम तेरी तौफीक के बगैर नहीं कर सकता। ये मतलब है। इस मतलब को जहन में रख के इसका विर्द करें, आपको मज़ा आएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपकी ज़ुबान पे अल्फाज चल रहे हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दिल में ये ख्याल गुजर रहा हो या अल्लाह, किसी गुनाह से, किसी बुराई से, किसी आजमाइश से, किसी शर तकलीफ़ से तेरी तौफीक के बगैर नहीं बच सकता, और कोई खैर और नेकी तेरी तौफीक के बगैर नहीं कर सकता। तो दिल में ये ख्याल चल रहा हो, ज़ुबान पे अल्फाज हों ला हौला वला कुव्वता के, फिर आप देखें आपके इस कलमे में अल्लाह कितना असर डाल देंगे, फिर देखें कितना सुकून मिलेगा, फिर देखें अल्लाह मसाइल कैसे हल करेगा। तो मसला हम में है कि हम सही से पढ़ते नहीं हैं, सही से अल्फाज को कहते नहीं हैं। हमें सही से अल्फाज का, हमारे पास दवाई तो है, उस दवाई के इस्तेमाल का तरीका नहीं है। हमारे पास एंटीबायोटिक अल्लाह ने बेशुमार दी हुई हैं, लेकिन हम उनके इस्तेमाल का तरीका नहीं है, तरीके भी नहीं हैं, डॉक्टर से मालूम भी नहीं करते, उलमा से पूछने की हम कोशिश भी नहीं करते। अजीब अजीब सवाल करते हैं, लेकिन ये काम की बातें कभी भी नहीं पूछते। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मेरे पास एक नौजवान का फ़ोन आया असर के बाद। फ़ोन करते ही वो रोने लगा, कहता मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मैंने नियत की थी कि 40 दिन तकबीर ओला मेरी फौत ना हो, आज मैं असर में सोया रहा, जमात निकल गई, क्या करूँ, मैं परेशान बैठा हूँ, क्या करूँ। तो मैंने कहा जल्दी से जाओ मस्जिद में, अभी तो नमाज का वक्त बाकी है, कोई और बेन आ रहा होगा जिसने नमाज नहीं पढ़ी होगी, उसको पकड़ो, उसको अपने साथ पकड़ के नमाज पढ़ा दो, दो लोग जमात पढ़ लो, तुम्हें तकबीर ओला का सवाब मिल जाएगा। अब वो ये सुन के वो खुशी से भागता हुआ मस्जिद में गया। तो देखिए कैसे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे सवालात भी करते हैं। और एक सवाल और, पता नहीं किसी खातून का फ़ोन आया, मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे ऐसे सवाल करने जहन से निकल गया अचानक अभी। तो बड़े कुछ लोग ऐसे ऐसे सवाल भी करते हैं। तो हमें काम की बातें जिनमें हमारी तरक्की हो, दीन हमारा फले फूले, हमें ऐसे सवालात ज़रूर करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें दीन के कामों में आगे बढ़ाए। तो बहरहाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा हमें अता कर दी। ये आयत करीमा जो हम पढ़ रहे हैं उसी में, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 86 है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। तो आयत करीमा असल में तौबा इस्तिग़फ़ार के अल्फाज हैं जिनमें इंसान अल्लाह ताला की बड़ाई की बिरियाई का इजहार करता है, अल्लाह ताला का हर ऐब से पाक होने का इजहार करता है, और अपने हर ऐब के अंदर मुबतला होने का इजहार करता है। या अल्लाह, तुझ में कोई ऐब नहीं है, मुझ में सब ही ऐब हैं, तो हर ऐब से पाक है, मैं किसी ऐब और कमी से पाक नहीं हूँ। या अल्लाह, तू तो तू है और मैं गुनाहों का मुजस्समा हूँ, या अल्लाह, मैं गुनाहों में लुथड़ा हुआ हूँ, या अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये मतलब जहन में रख के हमें आयत करीमा का विर्द करना चाहिए। इस तरह से आप आयत करीमा का विर्द करें, इंशाल्लाह देखें फिर अल्लाह ताला कैसे नवाजते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हो गया, आगे सूरतुल हज है। इसी में सूरतुल हज में जाके अल्लाह ताला इंसानी जो मराहिल हैं उसके मुख्तलिफ हालात जिक्र कर रहे हैं कि हम जो हैं वो किस तरह से इंसान को पैदा करते हैं। बुखारी शरीफ ये जो आयत है, वमिना अन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, वमिना अन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीज, और या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बाथ, ए मेरे अल बंदो, अगर तुम्हें क़्यामत के कायम होने में शक है तो देख लो अपनी फितरत पे गौर कर लो कि हमने तुम्हें कैसे पैदा किया। मिट्टी से हमने तुम्हें नुतफ़ा बनाया, नुतफ़े से तुम्हें अलाका बनाया, अलाके से मुज़गा बनाया, मुज़गे से तुम्हारे ऊपर फिर हमने हड्डियाँ चढ़ाई, हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया, फिर तुम के ऊपर रूह डाल दी। तो जो मैं
اے اللہ ریت مٹی کے ذرات سے تم بکھرے پڑے تھے تو میں ماں اور باپ کے پیٹ میں جمع کر سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیسے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں انسان کے جو مختلف مراحل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے ہیں، کہ انسان کا مادہ 40 روز تک ماں کے پیٹ میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی اللہ اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے، نطفے سے وہ خون کا لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا ایک بوٹی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، اور یاد رکھیں جب بچے کے روح ڈال دی جائے تو کسی طرح سے ابورشن کروانا جائز نہیں ہوتا۔ اگر اس بچے میں جب 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جائے تو ابورشن کروانا یہ ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر تو 4 ماہ سے پہلے خدا نہ خواستہ ماہرین سے ایکسرے کروا لیے، رپورٹیں کروا لیں، اور ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ بچہ بچ نہیں پائے گا، اب نارمل ہے، یا یہ جی نہیں سکے گا، یا اس کے ساتھ بڑے حالات، تو بعض صورتوں میں ابورشن کروانا جائز ہو جاتا ہے 4 ماہ سے پہلے، 4 ماہ کے بعد جائز نہیں ہوتا، فتویٰ یہی ہے۔ اس میں پھر بہت سارے بس اوقات کرٹیکل کیسز آ جاتے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند تندرست عافیت والی اولادیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ماں کو صحت مند نیک سعادت مند عافیت والے اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معذور بے بس بے کس اور ایسی اولاد سے جو دنیا میں آ کر بیچاری پریشان رہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسی صحت مند اولاد مانگنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو پھر جو ہے وہ علماء مفتیان کرام سے رجوع کر لینا چاہیے، ڈاکٹرز کی رائے کے اوپر پھر مفتیان کرام فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا جب اب نارمل، عام حالات میں اگر بچہ ٹھیک ہے یا خدا نہ خواستہ وہ کسی اور کا بچہ ہے تو پھر بھی جو ہے وہ مفتیان کرام سے فتویٰ لے لینا چاہیے، تو وہ اس قسم کے فتوے جو ہیں وہ ذکر کر کے پوچھ کے وہ کر لینے چاہیے۔ اس میں جو ہے بڑی عجیب قسم کی فتوے بھی دینے پڑ جاتے ہیں، میں کیا اب ذکر کروں، بات آئی گئی ذہن میں، لیکن بس میرے پاس ایک خاتون آ گئیں، بیچاری کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے، اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا تو میں اپنے آپ کو ماروں یا بچے کو ماروں۔ اب ایسے موقع کے اوپر بڑے عجیب فتوے، اب وہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو ہم نے پھر اس کو یہی کہا کہ بھائی اپنے بچوں کو مار دو، اپنے آپ کو تو نہ مارو، کہ تم مرو گی تو شاید اللہ معاف نہ فرمائے، بچے کو مار دو گی پیٹ والے کو بھی تو وہ پیدا نہیں ہوا ہے، تو کیا پتہ اللہ تمہیں معاف فرما دیں، تو وہ استغفار میں لگی رہنا۔ تو بہرحال اللہ نے رحم فرمایا، خیر وہ اور طرف کو چل پڑے حالات۔ تو بہرحال ان موقع کے اوپر فتویٰ دینا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے فتویٰ لے کے اپنے معاملے کو کرنا چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 4 ماہ کے بعد اللہ روح پھونک دیتے ہیں، تو 4 ماہ کے بعد تو عام حالات میں کسی طرح سے ابورشن کروانا جائز نہیں ہے، کوئی اسپیشل کیس ہو جائے تو مفتیان کرام اور ڈاکٹروں کی رائے سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، حضرت جبریل نے فرمایا اس کے متعلق اللہ 4 باتیں فرشتے سے لکھوا دیتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں کتنی عمر پائے گا، نمبر 2 اس کا رزق کتنا ملے گا، ساری زندگی میں رزق کتنا دینا ہے، نمبر 3 یہ کون کون سے اعمال کرے گا، اچھے کرے گا برے کام کرے گا، اللہ اپنے علم ازل کی بنیاد پر سب کچھ لکھوا دیتے ہیں، نمبر 5 یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ 4 باتیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، دنیا میں جا کر کیا کیا
क्या काम करेगा, और नंबर पाँच ये अच्छे नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, ये सारी बातें माँ की पेटी में लिख जाती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये जिक्र फरमा रहे हैं। आगे चलकर जो बैतुल्ला की तामीर के हवाले से कुछ जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जब बैतुल्ला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बना लिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम से कहा था वअद्दिन फिन्नास बिलहज यातूका रिजाला, कि मेरे घर को बैतुल्ला को बुतों से पाक कर दें, शिर्क ना करें, यहाँ जो बुत रखे हुए हैं उनको हटा दिया जाए। वअद्दिन फिन्नास बिलहज यातूका रिजाला, लोगों में ऐलान कर दें कि वो सवार होकर भी मेरे घर में आएँ, पैदल भी आएँ। हज़रत इब्राहिम कहने लगे या अल्लाह ये तो पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, मैं आपका पैगाम किन को पहुँचाऊँ। अल्लाह ने कहा कि आवाज़ लगाना आपका काम है, लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। तो हज़रत इब्राहिम ने कानों में उंगलियां डाल के आवाज़ लगाई कि बैतुल्ला तामीर हो चुका है, इसके हज के लिए आएँ। तो रिवायात में आता है कि उस वक़्त जो मौजूदा इंसान थे अल्लाह ने उन तक भी ये आवाज़ पहुँचाई, आलम अरवाह में जो रूहें थी अल्लाह ने उन तक भी ये आवाज़ पहुँचाई। जिस रूह ने जितनी दफ़ा लब्बैक कहा अल्लाह ताला ज़िंदगी में उसको इतनी मरतबा हज उमरे की तौफीक अता फरमाएंगे, इतनी दफ़ा। तो दुआ करें कि अल्लाह करे हमारी रूहों ने बार 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 लब्बैक कहा हो, ताकि अल्लाह ताला हमें बार बार हज उमरे की तौफीक और सआदत अता फरमाए। तो जिस जिसने हज़रत इब्राहिम की पुकार पर लब्बैक कहा अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में सआदत लिख दी। यहाँ से उलमा ने यह भी निकाला है जब भी खैर के काम की तरफ बुलाया जाए दुनिया में के अंदर दीनदार लोग जब भी खैर के काम की तरफ बुलाएं तो लोगों को चाहिए कि लब्बैक कहें, जो लब्बैक कहेंगे अल्लाह उनके मुकद्दर में सआदत लिख देगा। जैसे हज़रत इब्राहिम ने बुलाया लोगों ने लब्बैक कहा अल्लाह ने सआदत लिख दी, इसी तरह से अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की पुकार पर जो भी लब्बैक कहता है अल्लाह उसके हिस्से में सआदत लिख देता है। दो मिनट आपके लेके एक बात और सुना दूं। कल एक खातून थी आपा महरुन निसा के नाम से मशहूर, अल्लाह ने बड़ा काम लिया वो खैर के काम में, वो फिर के औरतों को तबलीग किया करती थी, मुल्कों के सफ़र भी किए, मुल्कों के सफ़र 50 साल तक उस खातून ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ने की फ़िक्र की है। वो खातून का अजीब वाक़या भी है, बैरून मुल्क सफ़र पर गई हुई थी, 5 साल का बेटा छोड़कर घर गई थी, वो 5 साल का बेटा गाड़ी के नीचे आके फौत हो गया, शहीद हो गया। जब इन खातून को ख़बर दी गई कि आपका 5 साल का बेटा शहीद हो गया, जाना चाहती हैं तो चली जाएं, क्या इस माँ का जिगरा था, कहने लगी नहीं मैं तो अल्लाह के रास्ते में हूँ, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ती रहूँगी, मेरे बेटे को कब्र के अंदर उतार दिया जाए। बेटे को देखने भी नहीं आए और अल्लाह के काम में लगी रही। और फिर अल्लाह ताला ने अब करोना में मुब्तला करके शहादत की मौत दे दी। आपको पता कि करोना के अंदर फौत होने वाले अल्लाह उनको शहादत का मर्तबा अता किया करते हैं, ताउन में फौत होने वाले। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान में बुलाया कि रमज़ान में फौत होने वाले का हिसाब ही कोई नहीं, अजाब कब्र ही कोई नहीं, रमज़ान में बुलाया और शहादत की मौत अता फरमा दी। तो जिसकी ज़िंदगी शानदार गुजरी हो ना अल्लाह मौत भी बड़ी शानदार अता करते हैं, बड़े ठाठ बाठ से वो लोग अल्लाह के यहाँ जाया करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के कामों के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। तो दीन के कामों के लिए जब भी कोई बुलाए तो हमें ज़रूर अपना हिस्सा डालना चाहिए, हम अपने आप को पेश करें कि हम दीन के काम के अंदर लगेंगे। जैसे अल्लाह का शुक्र है हमने आपको बुलाया तफसीर के नाम पे कि अल्लाह का पैगाम सुने, ये पैगाम लेके अपने अपने घरों में अपनी अपनी सोसाइटियों में जाएँ और जहाँ जहाँ आपका हलका है वहाँ वहाँ ये पहुँचाएँ। तो आपने लब्बैक कहा, आप यहाँ पर आएँ, आपने यहाँ के सुना, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर इसकी बरकत अता फरमाएंगे, जल्द या बदेर अल्लाह ज़रूर अपने रहमतों से नवाजेगा, बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम की चीज़ों की बरकत अता फरमाए, जो पढ़ा है अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मुफ्ती सुफियान।